हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए व्यायाम की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे ब्रेन को तंदुरुस्त रखने के लिए भी व्यायाम की ज़रूरत है, जिससे हमारा ब्रेन हरदम फुर्तीला रहेगा। हमारे शरीर को और ब्रेन को तंदुरुस्त और सशक्त रखने के लिए जितना उपयुक्त खान पान और शारीरिक व्यायाम है, उतना ही जरूरी है ब्रेन का व्यायाम। ऐसे व्यायामों द्वारा ब्रेन को भरपूर उत्तेजित रखना आरोग्य, मानसिक क्रिया और स्मरण शक्ति को हरदम प्रोत्साहित करता है, और यह सारे व्यायाम बहुत ही मनोरंजक भी है। आइए ऐसे ही कुछ व्यायाम हम देखते हैं। रोज सिर्फ 15 मिनट कुछ नया सीखने के लिए समर्पित कीजिए, और कुछ समय बाद आप उसमें निपुण हो जाएंगे, जैसे कि योगा, शतरंज, बागवानी या कोई भी खेल। अपने कौशल को और विकसित करें। रोज वाचन, बागवानी, क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना यह अच्छी बातें हैं, परंतु उसमें भी नए नए लेखकों की किताबें पढ़ना, नए नए बागवानी की टेक्निक सीखना, कठिन पजल सॉल्व करना, जैसे विविधता से हम ब्रेन को नई ऊंचाई और ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद करते हैं। वाचन या पठन, जब हम पढ़ते हैं तो ब्रेन में बहुत सारे भागों में कार्य विधि शुरू हो जाती है, जैसे समझना, विश्लेषण, भविष्य में उपयोग के लिए संग्रह। यह सब क्रिया ब्रेन के न्यूरॉन्स को कार्यान्वित करते हैं और दुरुस्त रखते हैं। रोज रूटीन क्रिया को अलग तरीके से करने से भी ब्रेन के नए भागों में उत्तेजना मिलती है, जैसे जो चीज़ नैसर्गिक तरीके से करते हैं उससे उलट करना, जिसके कारण ब्रेन के दूसरे भाग भी क्रियान्वित होंगे, जैसे लेफ्ट हैंड से लिखना, कंप्यूटर का माउस लेफ्ट हैंड से चलाना। इससे ब्रेन का दूसरा हिस्सा भी क्रियाशील और जागरूक हो जाता है और ब्रेन की ताकत बढ़ाता है। संक्षेप में, सालों से चलते आ रहे रूटीन क्रियाओं को अलग तरीके से करके ब्रेन में नए न्यूरोनल कनेक्शन विकसित होंगे, जो उसको और मजबूत बनाएंगे। जैसे वह खेल खेलो जो पहले नहीं खेला, नई रेसिपी सीखे, खाने में नई चीज़ें बनाएं, नए मसाले ट्राई करें। कुकिंग में बहुत सारे सेंसेस काम करते हैं, जैसे गंध, स्पर्श, देखना और स्वाद, जिससे ब्रेन का अलग अलग भाग कार्यरत हो जाते हैं। अपने खाने का विश्लेषण भी ब्रेन की एक्सरसाइज है। यह जानने का प्रयत्न कीजिए कि खाने में कौन से पदार्थ, मसाले यूज किए हैं। ऑफिस में नए आइडियाज यूज करें, इन सब से ब्रेन कार्यरत रहता है और नए तरीके से काम करता है और हरदम संवेदनशील और उत्तेजित रहता है, जो ब्रेन के विकास के लिए आवश्यक है। नए स्थानों की सैर करें, जिससे नए अनुभव प्राप्त होंगे, नए साइट्स और लोग मिलेंगे, और ज्ञान का विकास तो होगा ही, साथ में ब्रेन में ताजगी रहेगी। नए स्थानों से घर में लौटने पर उस एरिया का मैप याद करके बनाएं। और हाँ, ब्रेन को मजबूत बनाने के लिए यह चीज़ें अपने रूटीन में सम्मिलित रखिए। रोज सैर करें, रोज नियमित वॉक या लंबी दूरी की दौड़ ब्रेन को रोजमर्रा के कार्य के विचारों से आराम पहुंचाते हैं और शांति महसूस होती है। शारीरिक व्यायाम, रोज शारीरिक व्यायाम ब्रेन के कार्यशीलता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। व्यायाम से ब्रेन संबंधित एक प्रोटीन तैयार करने के लिए सहायता मिलती है, जो नए न्यूरॉन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। मेडिटेशन या ध्यान, रोज 15 मिनट का ध्यान तनाव कम करने, बेहतर रक्त प्रवाह, एकाग्रता और ब्रेन को आराम देता है। अच्छी नींद, ब्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए भरपूर और गहरी नींद लेना जरूरी है। हर रोज सोने का और उठने का समय एक ही रखिए, 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है।
अच्छी नींद से स्मरण शक्ति बढ़ती है। नींद ब्रेन के पुनर्गठन के लिए सहायक है, जिससे ब्रेन की रचनात्मक प्रेरणा बढ़ती है। ब्रेन फूड का सेवन करें। ब्रेन को तंदुरुस्त रखने के लिए पोषक आहार जिसमें ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स रहते हैं, बहुत जरूरी है। ब्रेन फूड के बारे में हमने अपने एक वीडियो में पहले ही जानकारी दी है, उसकी डिटेल्स नीचे आपको कॉलम में मिल जाएगी। ब्रेन फूड में हम सम्मिलित कर सकते हैं अखरोट, बादाम, हरे पत्तीदार सब्जियां, अनार, ऑलिव ऑयल, डार्क चॉकलेट, टोमेटोज, कद्दू के बीज, कॉफ़ी, ग्रीन टी, अलसी, एप्पल, दालचीनी एंड सोयाबीन। आशा है ये जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।